आज सुबह जैसे ही नाना जी की तस्वीर व्हाट्सएप पे देखी तो मानो ऐसा लगा एक दो क्षण के लिए तो मेरे कदम ही रुक गए। उनकी तस्वीर देखते ही जहन में कुछ यादें आने लग गई। उनका वो मंदिर जाना, सुबह उठना, जब मैं मामी जी के यहाँ रहने जाता था उनका सुबह सुबह उठाना, नहा करके मंदिर जाने के लिए बोलना, फिर विकास भैया का वही बजाज स्कूटर निकालना, नाना जी को बिठा करके मंदिर ले जाना, मेरा साइकिल में पीछे पीछे जाना, धर्म मामा जी का बाहर आकर के बोलना, विक्कू ध्यान से ले जाइए, धीरे धीरे चलाना स्कूटर, उनको हिदायत देते हुए। बचपन की यादें हैं एकदम से जहन में आ गई याद। दिन में छत पे खेलना, शोर करना, फिर नाना जी का डांटना, मानो एकदम से सब कुछ सामने से आ गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे नाना जी कुछ कहने वाले। अतीत के पन्ने इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सालों से मन की थी, बोल नहीं पा रहा था किसी को, आज शायद बोलने का मौका मिला, उनको अच्छी तरह याद करने का मौका मिला, इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ। नाना जी का डांटना, मुस्कुराना, उनका छत पे बैठे रहना, गर्मियों में बाहर छत पे उनके साथ सोना, शायद मैं और विकास भी अंकित अच्छी तरह जानते हैं इस चीज़ को, अंकित का माँ माँ दादाजी कह के उनसे लिपट जाना, उस वक्त अंकित बहुत छोटा था शायद, और शायद मैं भी छोटा ही था, लेकिन थोड़ा सा अंकित से बड़ा हूँ, लेकिन वो मुझे आता है किस तरह से अंकित एक छोटे से बच्चे की जैसे नानी जी से लिपट जाता था और नाना जी से भी लिपट जाता था, फिर उनकी छड़ी से लेकर के कुछ ना कुछ कारस्तानी करता था, मतलब सब कुछ आंखों के सामने एकदम जहन में सब कुछ घूमने से लगा। पतंग हम जब उड़ाते थे तो नाना जी का डांटना, ज़्यादा धूप में देर से पतंग उड़ाना या ज़्यादा धूप में खेलना मेरा और अंकित का, फिर उनका डांटना, उनका बताना कि शाम को खेलना, अभी नहीं लू लग जाएगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें उनकी याद आने लग गई। पतंगों के लिए पहले तो डांटना और फिर अपनी ही उसी छड़ी से मेरे लिए मामी जी की जो लेफ्ट में एक दीवार थी बहुत बड़ी, शायद वो गोडाउन था, प्रमोदरों का मकान था, वहाँ पे बेलें लगी हुई थी, उन्हीं बेलों में मेरी पतंग अटक जाना और नाना जी का वो छड़ी लेकर के पतंग निकाल करके देना। एक दो बार तो ऐसा भी हुआ कि शायद बड़े मामी जी यानी संतोष मामी जी ने भी नीचे से लकड़ी उठा करके मेरे रोने पर, मेरी जिद पर पतंग उतार के उन्हीं बेलों में से मुझे दी। मुझे आज भी वो दिन याद है, झलक जाते हैं वो दिन, झलक जाती है वो यादें, पता ही नहीं चलता कब कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कब छोटे से बड़े हो गए, लेकिन नाना जी की सुनहरी यादें आज भी मेरे जहन में बिल्कुल ताजा है। नानी जी का मतीरा काट के खिलाना और नाना जी, मैं और विकास भैया तीनों का साथ पे छत पे बैठ के खाना, मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मुझे खाना खिलाने के लिए नाना जी का नानी जी को कह करके मिर्ची वाली चटनी पर छोंक करके बनाना, वो भी मुझे अच्छी तरह याद है। शायद ये सब चीज़ें मैं बोल रहा हूँ तो हो सकता है विकास भैया को कुछ याद आ गया हो, अंकित को याद आ गया हो, और जो भी और लोग हैं जो नाना जी के साथ में रहे हैं और शायद उनको अच्छी तरह से जानते हैं, या फिर वो यादें छोटे छोटे जब हम थे जैसे कि रंजीता, शायद ही जानते हैं, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है, इस बात का बहुत दुख है। समय का काल चक्र है, हर आदमी आता है और हर आदमी जाता है, हर व्यक्ति अपने समय से चला जाता है, प्रभु अपने पास उन्हें बुला ही लेते हैं। एक दिन हम और आप भी अपने इस काल चक्र से निकल करके ऊपर के चक्र में चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा हम लोगों को कि कब हम धरती पर आए और कब चले गए, लेकिन कुछ सुनहरी यादें फिर भी हमारी भी किसी न किसी के जहन में रह जाएंगी, शायद हमारे आने वाले जो कल है उन लोगों में जो हमारे साथ में आज। बस नाना जी की यादें झलक गई, झलका तो मन किया कि कुछ चीज़ें शेयर कर लूँ आपके साथ, वो पतंगें उड़ाना, क्रिकेट धूप में खेलना, हम लोगों का चिल्लाना, नाना जी का डांटना, प्रमोद और का जो मकान मामी जी के लेफ्ट में गोडाउन था वहाँ फुटबॉल खेलना, वहाँ से आना, लेट आना, नाना जी का डांटना, फिर उनका प्यार करना, पतंग दिलाना, पतंग उतार के देना, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद आ गई। उनके साथ खाना खाना, फ्रूट खाना, मामा जी का आना, ऊपर उनसे बातें करना, बैठना, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि मैं शायद एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता इस वीडियो में, सिर्फ छोटी सी एक ख्वाहिश थी, थोड़ा सा कुछ बोलना था इसलिए मैंने बोल दिया आप लोगों के सामने। हो सकता है कुछ त्रुटि भी हो गई हो बोलते वक्त, लेकिन कोई बात नहीं, छोटा हूँ मैं, त्रुटि हो ही जाती है, कोशिश कर रहा हूँ सिर्फ
कोशिश का पता नहीं कहाँ तक सफलता मिलेगी, लेकिन हाँ उनकी तस्वीर देख के बहुत कुछ याद आ गया। आज पूरे दिन जहन में उन्हीं की यादें घूमती रही। सबका उनको प्रणाम करना, शत शत नमन करना, ये सब देख करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं सिर्फ भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि जहाँ भी नाना जी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। बस अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देना चाहता हूँ। सादर जय जिनेंद्र।